झांसी के जिला कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम का 14वां परिनिर्वाण दिवस मनाया, जिसमें महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। झांसी जिला कार्यालय में बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी झांसी मंडल भूपेन आर्या के मुख्य अतिथि में संस्थापक काशीराम का 14वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजू राजगढ़ ने की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक केपी राजपूत, पूर्व मंत्री रतनलाल अहरवार, पर्वतपाल, सीताराम कुशवाहा, उत्कर्ष साहू, महानगर अध्यक्ष नफीस उर्फ शानू आदि ने काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भूपेन आर्या ने कहा कि दबे कुचले समाज और पिछड़ों को सम्मान देने के लिए काशीराम ने बसपा की स्थापना की थी। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम के कारण समाज को सम्मान मिला है। सम्मान की इस लड़ाई को बहन मायावती ने आगे बढ़ाया। आज जिला स्तरीय जिला कमेटी के तत्वाधान में आज मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने DSP बामसेप और बहुजन समाज पार्टी का देश में इतना बड़ा गठन किया है, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी को बनाने का काम किया है, ऐसे महापुरुष की 14वें परिनिर्वाण दिवस की गोष्ठी हम जिला स्तरीय जिला कार्यालय पर बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय इस झांसी मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी भूपेन्द्र आर्या जी हैं और हमारे मंच पर हमारे अतिथिगण है। बहुजन समाज पार्टी एवं बामसेफ DS4 के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का 14वां परिनिर्वाण दिवस आज श्रद्धांजलि सभा एवं संगोष्ठी के रूप में यहां पर आयोजित किया गया है। इस ये कार्यक्रम जिला स्तरीय है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और हमारे बहुजन समाज पार्टी के विशिष्ट अतिथिगण, पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण आज उन्हें पुष्प अर्पित उनको किए हैं और उनके विषय में आज जो उन्होंने उनका जो जीवन संघर्ष था, जो उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी की चार चार बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का उन्होंने काम किया, उनके ऊपर उनके विषय पर आज लोग उनके संघर्षों के बारे में बता रहे हैं। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।